मोरे रामा हो। एक गीत सुने दोस्त, लेकिन थोड़ा मनचित लगा के, ताकि आप लोग कहता चाहे बाउल सुनता चाहे सरेख तो मजा आए। भाई साहब सब भैयन से पांव लगी, एकदम शांति बनाकर विचार से खूब सुना। धर्म और कर्म मजहब में क्यों भेद है, ध्यान दे आप, धर्म और कर्म मजहब में क्यों भेद है, जान इंसान में आया अलगाव क्यों, एक मानव है हम खून भी एक है, एक धरती गगन फिर बयर भाव क्यों, आने और जाने का रास्ता एक है। मुलाजा फरमाइएगा आप सब, आने और जाने का रास्ता एक है, फिर मानवता दानवता कहाती है क्यों, सबकी कश्ती अलग ना खुदा एक है, तो इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। आए दिन तमाम दंगा फसाद हमारे यहां होते हैं बाबूजी, ये हमारा दावा है कि आप जरा एहसास करें इस बात का कि आने और जाने का रास्ता एक है, फिर मानवता दानवता कहाती है क्यों, सबकी कश्ती अलग ना खुदा एक है, इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। सही है, असली है मुन्ना। तो यही बात पे एक गजल का नमूना लगा कि चलो अजमेर में, अरे चलो अजमेर में ख्वाजा पिया से भीख पाएंगे, आहा भीख पाएंगे, चलो अजमेर में ख्वाजा पिया से अरे भीख पाएंगे, ओ अरे चूम के रोजे की जाली, चूम के रोजे की जाली, कभी वापस ना आएंगे, कभी वापस ना आएंगे, कहना है मेरे भाई कि चलो एक होकर इसी बात पर कि सबकी कश्ती अलग ना खुदा एक है, तो इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। ये किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता दोस्त, लेकिन किसी भी मजहब का आदमी है वो गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहे कि मैं मुसलमान हूं बाबूजी, इसीलिए कि भारत तमाम धर्मों का देश है। अरे चलो एक होकर, चलो एक होकर सारे धर्मों को सम्मान देना है, अरे होकर सारे धर्मों को सम्मान देना है, अरे आदमी बनकर, आदमी बनकर आदम की जमीन पर जान देना है, अरे हाँ जान देना है, आदमी
आदमी बनकर आदम की जमीन पर जान देना है, हैवान बनकर नहीं दोस्त। हम इंसान हैं और ईश्वर ने ये मनुष्य का छोला बड़े भाग से हम लोगों को दिया है, तो गर्व करना चाहिए अपनी इंसानियत पर। इंसान को कहना है मेरे भाई, वतन धिकारता है क्यों बने हो अकल के अंधे, वतन धिकारता है क्यों बने हो अकल के अंधे, मुल्क के राहबर होकर सियासी करते हो धंधे। देश के कर्णधार हैं लेकिन सियासत से बाज नहीं आते, मुल्क के राहबर होकर सियासी करते हो धंधे। गौर से सुनिए, ये गुजरा हुआ जमाना है, अयोध्या राम जन्मभूमि का फसाना है, अयोध्या राम जन्मभूमि का फसाना है, आस्था धर्म की। लेकिन ये बात नहीं जो गुजरी है, हम एकर एक छोटा सा प्रमाण है, कभी लोगों ने खोज कर थी बाबूजी। अरे आस्था धर्म की जिस दिल में कौन रोके भला, उज्जैन नगरी से एक दिन विक्रमादित्य चला, उज्जैन नगरी से, सहयोगियों के उज्जैन नगरी से एक दिन विक्रमादित्य चला, चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर, अयोध्या पहुंच कर झुका दिया है अपना सर। उज्जैन नगरी के विक्रमादित्य एक दिन सो रहे हैं और सपन देखते हैं बाबूजी कि किसी चीज का निर्माण करवा रहे हैं और मंत्र परिषद से विचार करते हैं, तो लोग कहते हैं ज्योतिषी को बुलवाए कि महाराज आप जब किसी चीज का निर्माण ही स्वप्न में करवा रहे हैं तो एक विनती बा। तो देखा दोस्त, एका कहे कहे कि गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और कहना चाहिए उस महापुरुष के दिल में एक बात आ गई। और ज्योतिषी मंत्र परिषद के लोग क्या कहते हैं कि आप अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर बनवा देते हैं। आज तमाम एकता यात्रा रथ यात्रा निकल रहा था, लेकिन ना बाबूजी, जरा देखिए आप, सहयोगियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आता है और क्या होता है, राम स्थली को जब वो गौर से देखा, विक्रमादित्य जब देखते हैं तो मिट्टी उठा के चूम लिए, माथे चढ़ा लिए, राम स्थली को जब वो गौर से देखा और कहता कि हमें अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है। और इतने में जिसे हम बस्ती जिला कहते हैं, छावनी से होकर आइए बाबूजी, विक्रमादित्य ठीक उसी रास्ते से आए हुए हैं और खड़े हैं, तो सरजू का किनारा है और उस तरफ क्या देखते हैं, विचित्र बात है, वह तज लग गए। अरे कवन कर नमस्कार भागे दुल्हा पपिया बलिया, ये बतिया टीसा जरूर हो, लेकिन घबरा जी भैया आ रहे हैं, सबके मेहरारू बहुत अच्छे ढंग से हैं, चिंता को बाहर ना। देखा खेती बारी हाल चाल सब बहुत बढ़िया बा, कटाई होत बा, आलू महंगा नहीं लेकिन अब कुछ सस्ती भई बा, कहे ना हमार खड़ा सरजू किनार, अरे खड़ा सरजू किनार बड़ा प्यार मिलल बा, अकाले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। सरजू के किनारे विक्रमादित्य, दूसरे किनारे पर का देखते हैं कि काले घोड़े पर काला सवार मिलता है। महाराज विक्रमादित्य चकित हो गए कि ये कैसा आदमी है, रूप विकराल अपने मन में बिचारा, रूप विकराल अपने मन में बिचारा, और काला सवार कूदा सरजू की धारा, निकला चेहरे पे काला सवार कूद गया सरजू में, घोड़ा समेत कूद गया, और जब कूद गया उसमें से निकलता है बाबूजी तो निकला चेहरे पे नूतन निखार मिलल बा, काले घोड़ावा पे काला सवार मिलल बा। बाबूजी विक्रमादित्य चकित हो गए कि अभी भी काला था, एकदम काला था, और इस सरजू में कूदा घोड़ा समेत और निकलता है तो एकदम सफेद गौरवन का, ये कैसे हो गया। महाराज दौड़ के पहुंचते हैं, महाराज दौड़ के पहुंचते हैं और क्या कहते हैं बाबूजी, प्रणाम किए,
ताज बधा हुआ घोड़े पर सवार क्या कह रहे हैं। एक ही मेहरारू अपने मन सेधु से पूछा था कि तू सुनी थी इंटर बीएम पढ़त है, तो उसे एक सवाल करी बताऊ कहे हाँ पूछा, कहे कमन फूल, अरे कमन फूल धरती पर फूले, अकमन फूल असमान रे मितवा कमन फूल। कही बात कहे हाँ, कहे बेला चमेली आदि धरती पे फूले, अरे बेला चमेली आदि धरती पे फूले, चांद सूरज संभाल रे गरिया, चांद सूरज संभाल रे गरिया। अरे बाप रे, विक्रमादित्य पूछ रहे हैं सवार से, कहे काला रूप, अरे काला रूप धई के सरजू में कुदला, काला रूप धई के सरजू में कुदला, भैला दुई जिया के चाने मिटवा भैला दुई जिया के। भैया बढ़िया, कहां के राजा आप, विक्रमादित्य सार से पूछ रहे हैं कि अभी अभी करिया रहा भाई गोर गोर कैसे हो गया, कहां के राजा आप, कहां बधाम हो राजा विक्रमादित्य करती प्रणाम हो। कहीं हमारा नाम गाम जाना चाहता, कहें हां, कहे सुनो तीर्थन के राजा, तीर्थन के राजा प्रयागराज नाम है, तीर्थन के राजा तीर्थन के राजा प्रयागराज नाम है, अब घोड़ा है कलयुग जे के हाथ में लगाम है, घोड़ा है कलयुग जे के हाथ में लगाम है। अरे संगम का पाप सब अयोध्या मधोवले, जन्मे जहां पे भगवान ये मितवा। राजा विक्रमादित्य प्रमाण चाहते हैं, साबूत चाहते हैं कि क्या अयोध्या ही राम जन्मस्थली है, और प्रमाण मिला दोस्त दिए प्रयागराज कि धन्य धन्य अयोध्या जहां रामचंद्र जन्मे, दुनिया करेला जैसे गान ए मितवा। सुना हमार बात, कहे आप प्रयागराज हैं, कहे हाँ, प्रणाम कर लिए, और प्रणाम करते हैं, कहे चैत मैं एक दिन करी थी नहनवा, कहे आप तो काले थे, कहा लोगों के पाप से मैं काला हो जाता हूं, और साल में एक दिन चैत रामनवमी का जब आवे दिनवा, अरे धन धन अयोध्या जहां रामचंद्र जन्मे, दुनिया करेला जस गान ये मितवा, दुनिया करेला। महाराज खुश हो गए, महाराज खुश हो गए, और प्रयागराज अंतर्ध्यान हो गए। बाबूजी सवार चला गया, तो एक ही तर्ज लगा था, तर्जू है एक ही भौजाई बैठी रसोइया में, एक ही भौजाई रसोइया में बैठी पर देवरवा आए गए, तब लिखा ये बाबूजी, ये बाबूजी कहे का है सही पत्ती बल्ला मास्टर ठीक। देवरवा भाजी से कहा था, ए भाजी पहले आप सुनत रहे कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, लेकिन एक जमाना चला गया, एक जमाना चला गया कैसे, कहें देवरवा कहा था भौजैया से कि फूले के थारी धरल दोना, फूले के थारी धरल दोना, जना तोरे लगल बा नजर टोना, झरवाइला झरवाइला हे भौजी नगद लागी झरवाइला।
बाबूजी ये तो तर्ज रहा आप लोगों के मनोरंजन भरे, लेकिन सुना कहना हमार क्या है। कही के सवार अंतर ध्यान होई गवा, बड़ी बढ़िया चीज है भाई साहब। कही के सवार अंतर ध्यान होई गवा, भाई राजा कते क्षण ज्ञान होई गवा। दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो दौड़ाई दिए। ज्ञान वाली राजा पिए हैं बुटिया, आगे लो मत ऋषि के मिलल कुटिया। दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो दौड़ाई दिए। महामुनि के चरणों में भूपति करते प्रणाम, अरे वो स्थान बता दो मुनिवर जन में जहां श्री राम। देखें आप इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है कि वो स्थान में जाना चाहता हूं जहां कौशल्या की गोदी में मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए हैं। त्रेता युग में जहां रामचंद्र जी पैदा हुए हैं वो स्थल ही नहीं है, मैं जानना चाहता हूं गुरु जी बताओ। लोमश ऋषि क्या कहा थी, लोमश ऋषि रोए लगे, पलक उठाकर देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वाह बेटा, बारे मेरे देश के सपूत, गर्व है तुम पर भारत भूमि को। कहा गुरु जी बतावें ना, कहा सुने कभी को टेरी के भाव देना पड़ा। अरे दर्पण से झूठ बोला ना गया, अश्कर भरों के अंक में किया जिंदगी, दर्पण से झूठ बोला ना गया। बाबूजी कहा महाराज, नगरी अयोध्या स्वर्ग बनल। तने देखा जैसे लड़का कहा कि दाल भात खाब, थोड़ा पलट गया, दाल भात खाब, अब अतिया एक है कि खाब भात दाल, एक बात हो गई, वह बात है। नगरी अयोध्या स्वर्ग बनल, बनल स्वर्ग अयोध्या नगरी। प्रहरी तुम देश के हो राजा, राजा हो देश के तुम प्रहरी। लहरी ऋषिवर बोलई लागे, लहरी ऋषिवर बोलई लागे, लागे बोलई ऋषिवर लहरी। सुघरी गैया जाती नृप जो, जो जाती नृप गैया सुघरी। कहा हे महाराज, ये गाय देख रहे हैं आज जा रही है कहां। तनी देखा हमारे हिंदू भाई बात पर गर्व करें दोस्त कि हमारे भारत भूमि में कितना सपूत पैदा हुए, और हर मजहब के लोगों को घमंड करना चाहिए इस बात पर, कैसे मेरे भाई। कहा ये गाय देख रहे हैं कहां, कहा इसी गाय के पीछे पीछे चले जाओ भोपाल। अगर आप वो स्थान जाना चाहते हैं जहां हमारे ज्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए हैं, तो हमारी कहना है कि इसी गाय के पीछे पीछे चले जाओ भोपाल। अरे जहां राम जहां दूध गैया का गिरे, वही जन्मे दीन दयाल। अरे हजारन साल से जीवन राम लला पे अर्पण। बाबूजी जहां पर गाय को कोई दूहने वाला ना हो और इसकी ममता अपने आप छलक पड़े, कोई दूहने वाला ना हो और दूध गिरने लगे, वहीं समझ लेना मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मां की गोद में पैदा हुए। कहा ही बात कहे, हां आगे आगे भूपू चले, आगे आगे गैया जाली, पीछे पीछे भूपू चली भे, भूल गई ले सारी सूध बू। और जहां राम जन्मे
कौशल्या जी की गोदिया गैया गिरावे लगली दूर। बाबूजी जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए थे वो स्थान पर पहुंच के गैया दूध अपने आप गिरावे लगी और इतने में विक्रमादित्य घोड़े से उतर गए और क्या कहते हैं एक बैग उनके दिल में मंगा जी बोलो श्री राम चंद्र की और कहे धन्य विधाता बहे दूध की धारा राम की नगरी में धन्य विधाता बहे दूध की धारा राम की नगरी में जय श्री राम का गूंज गया है नारा राम की नगरी में। दिहा बनाई काम हो हे जननी माता तुमको बार बार प्रणाम हो अरे हमारे भाग से चमकल चांद सितारा राम की नगरी में और जय श्री राम का गूंज गया है नारा राम की नगरी में। अरे बड़ा खुशी भाई विक्रमादित्य कि उज्जैन से चल के आना मेरा सफल हो गया प्रमाण मिला दोस्त प्रयागराज से लोमस ऋषि से और इस गैया से मिला प्रमाण तीन तीन प्रमाण के पास मौजूद है कि हाँ राम असली अयोध्या है एकदम अयोध्या है। कौन कह सकता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पैदा हुए और हमारी कहना है बाबूजी वह राजा विक्रमादित्य कारीगर बोलौले भैया बिहले नगरिया में ढी ढोरा पिटवा भूमि कई अब नहीं वह खुद जब लागा हे राम और सीता का मूर्तिया गैले पाए। इस चौथा प्रमाण मिला कि मन में अगर कोई शंका हो विक्रमादित्य तो उसे भी निकाल कर फेंक दो और भारत भूमि तुम्हारे नाम से अमर रहेगी। कहा राम और सीता की मूर्ति नींव में पाए बाबूजी विक्रमादित्य छाती से लगा लिए चूम लिए बार बार नेत्रों से आंसू बहने लगे हमारे खुशी में कि हे भगवान हे मर्यादा पुरुषोत्तम आप आशीर्वाद दें प्रभु कि मैं आपकी मंदिर बनवा सकूं। बाबूजी नींव दर नींव खुदी 84 खंभे कै सुंदर है बनल मंदिर अरे भैया ऋषि का तबले लिए बोलवा अरे चैत में नौवा दिन का मेलावा लगे ये भैया राजा विक्रमा दिए अडरियाई घुमाए। बाबूजी चैत रामनवमी में 9 दिन का मेला लगता है बाबूजी आज से थापना लगल बा भीड़ के मारा अयोध्या भरे रहेगी मेरे भाई कि हमारा अयोध्या कितनी पावन है जरा देखें आप कि चार चार प्रमाण मिला कोई कह सकता है कि अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, है मेरे भाई मंदिर बन गए समय गुजर गया बैठे राम सुआसन अरे कुछ दिन बीता जब भारत में अरे आया बाबर का शासन बाबरी मस्जिद बन गई सुनो जब आते बाबू जी भैया बैठा लो भाई वाह भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शांति के लिए। कुछ दिन बीता जब भारत में आया बाबर का शासन बाबरी मस्जिद बन गई सुनो अजब आकर्षण दर्पण से झूठ बोला ना गया मंदिर बाबर घूमने आया और बाबूजी कभी कभी कहा था कि मनई सब कुछ होए लेकिन केहू के कहीं में नहीं आवे राजा राजा होता है दोस्त वक्त का हर शय गुलाम बादशाह बादशाह होता है बड़ा खून खराबा हुआ लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा ही दिया। ये जड़ बन गई बाबूजी झगड़ा के वहीं वक्त वक्त समय गुजरता गया मेरे भाई अयोध्या में पूजा स्थल सब होता था ताला लग गया प्रधानमंत्री राजीव गांधी ताला खुलवा दिए और तब से मेरे भाई राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हम पूछते हैं आप सबसे कि अगर
आने और जाने का रास्ता एक है, फिर माने बदाना होता कहती है क्यों, जब सबकी कस्ते अलग ना खुदा एक है तो इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। एकदम गलत बात है बाबूजी। धीरे धीरे बाबूजी 30 अक्टूबर 90 का दिन आया जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी जहां अपने उत्तर प्रदेश की बागडोर थी पूरा सील हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी राम भक्त वहां तक पहुंचे और कितना भी कमाल किया बाबू मुलायम सिंह ने बीपी सिंह की सरकार में। हे राम जहां तुम जन्म लिए वहां भक्त बिचारे रोते हैं, हे राम जहां तुम कई मजहब का देश है, किसी के मजहब तक ठेस पहुंचाकर कोई मजहब बरकरार नहीं रखा जा सकता बाबूजी, यही हमारे देश की एकता और अखंडता है। जब यह अध में वध होता है राम, तब नाम याद क्यों रखा गया। आप लोग गौर करें, जब अवध में वध होता है तब नाम अवध क्यों रखा गया, जब अवध होता है आम तब नाम अवध क्यों रखा गया, बह गया भक्त का रस जहां, बह गया भक्त का रस जहां, अर्जुन के किनारे रोते हैं बह गया भक्त का। सत जहां पर जो किनारे बह गया भक्ता, कोई नकार नहीं था दोस्त, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो बौद्धिस्ट हो जैनी हो, ये कोई नहीं था कि राम जन्म भूमि अयोध्या नहीं, अयोध्या है ये भाई। वही वाले झगड़ा खूब रही है, हिंदू मुसलमान सिख में फूट खूब रही है, लोगों के कहे में जीना है दर अली कहे आए मजहब के खाते खुनवा बहे, स्वामी जी आनंद कहे भूत दिए कोतारी यादव रामदार कहे सब सारथ की बलियाई, अरे से झूठ बोला ना गा, अरे कविता है दरई के सर के चैन से मारे पैदल पासे झूठ बोला ना गा। भावानी सुनो सुजन मन लाल, अभी आप हमारे छोटे भाई हैदर अली के सुंदर गीत सुने हैं, आप लोगों के एक गीत आते आप लोग अयोध्या का राम जन्मभूमि के, अब आप लोग काशी नगरी के सुना होते हैं जी, गाना बड़ा मजेदार बात, गाना का शीर्षक रही अभी मेट सके त्रिपुरारी, करो संत सेवा
अनंत सदा चकोर अंत लेला मिले सुख शांति जब कीर्ति गाए करे भारती यवनी अंबर हमेशा दिशाओं में उसका सुमन मुस्कुराए आया के मूरत से ममता किया जो अरे करम मल के अंत समय पछताया पड़ा सत सोटा जो यमराज का तरिसियों कया सी सही का लयाया बाप कि हम क्या बोला वलू गई अरे हम क्या बोला वलू गई घुबटा उठाई देखा भैया के तरफ पुरस्कार बा नमस्कार में तरफ से बात इतने आप लोग हंसे को लेके कह जाला असली बात है आजाद कुछ गाना कभी आप लोग आनंद लेवल के लिए खाली धुने पर रह जाला दुनिया सुने सुने में जन बात समय भी गुजर जाला कुछ गाना का आनंद लेवल के लिए गाना का भाव आप एक लाइन भोले बाबा के कवि लिखलन कि सत्यम शिवम जो सुंदरम गाएगा प्रेम से सत्यम शिवम जो सुंदरम गाएगा प्रेम से अरे वह मोक्ष की गंगा में नहाएगा प्रेम सत्कार से बढ़ के न कोई पूजा है अतिथि से बढ़ के न भगवान कोई दूजा है राजा विक्रमादित्य करहल राजा ब्रह्मदत्त की कंचन पर राजधानी थी एक बेटा था उनके और उनकी रानी थी बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा का परिवार रहा साधु सेवा के लिए दिल बड़ा उदार रहा एक रोज ऋषि अंगिरा दरबार पधारे बड़े ही प्रेम से राजा ऋषि का पांव पखारे राजा ब्रह्मदत्त के एक ही बेटा रहल जो उनका नाम रहल ब्रह्म केतु ए भैया कंचनपुर राजधानी साधु सेवा में बड़ा मन लगे थे राजा ब्रह्मदत्त के द्वारे एक दिन अंगिरा ऋषि आ गिले राजा क्या बड़ी सुंदर व्यवस्था जे जौने लायक वो क्या वैसन वैसन व्यवस्था ए भैया अंगिरा ऋषि के जहाँ साधु संतन के स्थान बनल है वही टिका दिल और अपने बेटा से कहने कि बेटा साधु का चरण बड़े भाग से मिलल आज अंगिरा ऋषि हमारे द्वारे आ गिले तो तनी आज अपने हाथियों उनका जाके सेवा करिहा लड़िकवा जाके अंगिरा ऋषि के पानी दाना करा के गोड़वा दबावे लगल तर्जमा बदल गिल बाटल जो है बात हर गवन की रात दुख लेकिन गाना का भाव कि बेटा कर सेवकाई हो तब पावन चर लड़िकवा गोड़वा दबावे लगल ए भैया अंगिरा ऋषि कल बचवा हमारे गोड़ छोड़ दे कह कहे सरकार कहे कि हमारे लाज अवत कह रहे आप हमार इतना बड़ा महात्मा और हम आपका बच्चा आपके लाज कहे और बात करें कि कारण भाग कौन कारण
अरे ऋषि कहल बचल समझ आई परसो तुहार बेटा मऊत हो जाई अरे दियना महल का बुझाई हो। ए बचवा परसों तुहार मौत हो जाए आखिरी दिन बाप जिंदगी के हमार सेवा करके मर जाए बा ये दुनिया हमके का कही कहीं सरकार सही है कहीं बिल्कुल सही बा परसों तुरी जिंदगी के आखिरी दिन बाप लड़िकवा भागल भागल अपने माई बाप के पास पहुंचल है राजा रानी से कह लगल कि बाबू अंगिराज ऋषि का हम सेवा करते हैं और अंगिराज ऋषि कह कि परसों मर जाए बाप। इतना सुनत माई बाप के बजे घात पड़ गल लेकिन तरह जी यहाँ बदल गए बाप एकदम खाटी भोजपुरी के साहित्य बा हमारे एक पुलिस के जवान हुन महेंद्र मिश्र वो नहीं के गावल गीत भाई लोग गीत में बढ़िया के रह वाला हुन कि कहतानी भारत के जननवारे सजनवा हमार बड़ल नफा में चल बा हमार कमाई के कब्बे को हो गई बा आप लोगन का दर्शन हो गए बा यही नफा में चलत भाई सब। ए भैया कहे कि हल्ला उठ गल देश में कि राम दो मर गिलन लेकिन आप लोगन के आशीर्वाद से आत्मा में पैदा भल कि भाई न मरत तो ठीक है रहल है तो हम जी गई फिर आप लोग का दर्शन होकर समझ ला हमारे कुल हो गए। ए भैया अपनी गावल के मुनाफा में बात आ गई सामने छाती बिहारा मोरे बिधना माई बाबरो में बिलखाई हो छाती बिहारा मोरे राजा रानी दौड़लन एक गोड़ पकड़ना राजा एक गोड़ पकड़नी रानी अंगिरा ऋषि के चरण में लपट गए सरकार इतना जानत हो लड़के बाप परसों मर जाए कोनो उपाय हो जानत हो बापा देखा जाए आप कहलन के एक उपाय बा कह का भैया के नमस्कार बा ऋषिवर कहल तब वचन की खारी अरे भाभी मेट सकती पुरानी ऋषिवर कहल तब वचन तिखारी अब भाभी मेट सकती पुरानी तू जाना ही कवन उपाय हो छाती बिहारा मोरे बिधना था। विश्वनाथ की गली में जाके ब्रह्म केतु सो जाएगा अशक्तिहीन चलने फिरने में अपने को बतलाएगा भेष बदल के देव सभी दर्शन करने को आएंगे अब बिना हटाए राह से तुमको मृत्यु देव नहीं जाएंगे। लड़िकवा से कह दा चल जाए काशी विश्वनाथ में अब विश्वनाथ गली में ढुंडराज गली से मिलकर के ज्ञान बापी में एक गली मिले ले वही पतली गली में सुट जा कल शिवरात्रि के पर्व हो कल शिवरात्रि के पर्व पर तमाम देवता लोग दर्शन के हंस अरे कर दहिया लांग लांग के चल जाइ हंस बस ठीक है नमस्कार बाप अरे भाई सुना ठीक है देखा मृत्यु देव कर बाह पकड़ के उठा दिए तो कल्याण हो जाए लड़िकवा चल काशी में लेकिन सरज बदल गई बाप सरज है बाप एक लाइन ए भैया एक लाइन बा वह अमिताभ बच्चन जय पर्दा वाली है कि गोरी है कलाइया पिन्हा दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना दे मुझे बाजुआ बना दे मुझे
समाज है तो वही में अपन खाली काम करे ला लोग नाम थोड़ा है गुप्त ही कोई बात नहीं नमस्कार ए भैया दुनिया में अकेला कज करके झमेला काशी में जाई ही जिंदगी कज करके झमेला काशी में जाई ही जिंदगी हे भोला दानी रखा जिनगानी काशी में जाई जिंदगी भोले बाबा हमें आवत ही हरे द्वारी पर तुहरे जाई जनवा काटा कुटिल काल का कठिन जाग की पुरारी लड़िकवा चल रहे काशी में ए भैया काशी विश्वनाथ की तरफ लेकिन रास्ते में के गड़बड़ हो गए कौन गड़बड़ मिले राह में सुचंद राजा ब्रह्म केप से लिए बरात कापिल्य कुमारी को ब्याहन कुबड़ा बर लेके रहे जात रास्ते में सुचंद राजा को बरात मिल गई लड़कवा सड़क किनारे खड़ा हो गया बरतिया देखे लगत ए भैया बरात का दूल्हा थोड़ा बदसूरत रहत राजा सुचंद के बड़ा चिंता रहल कि जौने घड़ी दूल्हा मड़वा में उतरी हमारे मुछिए लटक जाये एक काम बाप कोनो सुंदर लड़का मिलते तो काम चला ले तब तब ब्रह्म केतु पर नजर पड़ गई बोलावलन ए बचवा यहाँ बा कहा घर बा कलक कंचनपुर घर बा राजा ब्रह्मदत्त का बेटा ब्रह्म केतु है जाति काशी में जान देव कलक तनी एक हमारे थे काम कर देवा स्वाद जिंदगी जात बा हमारी इज्जत जात बा ते आवा जिंदगी से इज्जत का कीमत जादे हो तनी हमारे दू घंटा के मौका देता थे अपन इज्जतिया बचा ली कहे कैसे देखा ये बारात इतनी बढ़िया बा एक दूल्हा गड़बड़ बाप तो के दूल्हा बना के ले चल मड़वा तक चली हा सिंदूर पड़ जाई ब्याह हो जाई तो के छुट्टी दे दे अपन इज्जत बचा ले भाई कलन ठीक बा भाई जते का सवाल बा तो जा तरन काशी में जान दो बीच में दूल्हा बन गेल तब तरह जो है बाखिया में हम कजरा मारब सबकी वरिया नजर आ कोई ताक करी है चमके चंदा ऐसन चेहरा बाढ़े सिर मंगनी के सेहरा दूल्हा द्वार नतीजा निकलल दूल्हा बनके बरात सजा के आ गेल कहा अरे हंसी खुशी तबरी पुजाइल से नूर मांग भरे हो जब सुहागत कह रती अब आवे याद मौत के बतिया दूल्हा द्वार अइले सही हो अब सही हो ए भैया बियाह हो गल सेनूर पड़ गल कल है महाराज हाँ महाराज हमें छुट्टी करा दू घंटा कल ला दू घंटा हो गल बियाह हो गल सेनूर पड़ गल हमको छोड़ दा जाए के बाद काशी में जिंदगी का सवाल बा कलन भाई रुक जा तई लख ले केहू लख न पावे और तुम हम छोड़ दे ला पांच मिनट का मौका लगा ला आज तब तक से बतिया होते हो तब तक लड़की वाले के अंदर खबर आ गई हे भैया लड़की वाले का खबर आ गई कि ब्याह हो गल सेनूत पड़ गल यहाँ करीत बा कि आजू का रात दुल्हा दुल्हई महल में बिता ली हन आ तब बिहाने विदाई हुई ये गई भैंस पानी में ए भैया कल है महाराज हमारे पास मौका नहीं बा रात भर में आधा रास्ता जा हम तो छुट्टी करा कल अरे भाई जैसे इतना इज्जत रखला रात भर और रुका बिहाने चल जाया कलन देखा तो बड़ा गड़बड़ किला हमें लिया के फंसा दिला रात भरे के दू घंटा कह के
कहे कोनो बात ना हो, इज्जत का सवाल बा, चुपचाप घरवा में पड़ल है, बिहाने चल जाया। तिहत्तर बदल गिल बा सरंगिया वाले कडेरावा बताई दे रे छोटकी नानो दी लेकिन गाना का भाव अब आ गिर महल में दुल्ही बैठल पलंग पर ए भैया और अपने हाथ जोड़ के खड़ा हो गिलन कलर कैसन ए भैया कस का बस कहे अरे माटी का पिजड़ा या थोड़ा निर्गुणी भावा कहे लगलन सच्ची सच्ची बात कलन दुलही से कि माटी का पिजड़ा सजल से जी यहाँ पर अरे सुदनवा जाइए रानिया रास्ते से पकड़ के आली तो हमके जाएगा कहा बतावे लगलन कि दुई दिन आप कर्म हमान जीवन भोला के जैब नगरिया हो काशी नगरी में हम के छुट्टी कर दब तोरे हम मांग में सेनूट पहरा दे इतना हमार गलती माफ करी हम बरस के बड़े सहज रूप में कह दिला सिंदूर का कीमत होला और लगत बा के हमरे मांग में तोरे हाथ के सेनूर लिखले रहल कहत बका अरे लिखे भाग में हमारे जवान को सैया सैया माना हो आया बजना छोड़ावा हमसे अपन पैया सैया माना खातिर दूजा पद धिक्कार हो अरे बसी जिंदगी बसब तुहरे छैया सैया माना हो आजीवन नैया के तुहई खेवैया सैया माना हो के आप जा हम आपके रोकब नहीं लेकिन एक बात है रखिए कह का अरे बनिया के बिना कैसे जिए हो मछरिया ये भैया स्वाति कबूलिया पापी हरा कपड़ा सी
बाहिर जगत में जयकर सतव महाना, जैसे हो सवित्र सत्यावन सजना के भैया, लेहली छोड़ा जमारज से पराना। कहली जैसे महारानी सीता लंका में भगवान के आदमी बिता दे रहे, उर्मिला लक्ष्मण के आदमी 14 साल बिता दे रहे, सावित्री सत्यवान का प्राण जमराज से छोड़ा लेलिन, अरे वैसे जो हब सैया हम तो हरी रहिया, अकेले ब्रह्म के दूत काशी में पाया। क्या जियत लौट के आया तो हमार खोज खबर ले लिया, अब मर जाइबा तोरे सहारे जिंदगी बिता दे, लेकिन दूसरे का सेनहुर ना पहिरे। अरे कैला ब्रह्म के तू तब काशी में पाया, नामी विश्वनाथ जली के बिचे दहरिया, में सुत गई लन के नजारा, बदल के देव दर्शन के यार, लाही लाही जा जान लड़का नदार, मृत्यु देव तब आखिरी समैया, लड़िकवा से पतिया बखारा। भैया मृत्यु देव आ गिल और विश्वनाथ गली में सुतल बा, कलन की यहाँ क्यों सोया है? आज शिवरात्रि के पर्व पर तुम्हें सोने की जगह नहीं मिली? कल सरकार एक कारण बा कह का कि या तो विश्वनाथ गली जली सत दिया ना, या तो बदनाम होई है सफा, तो जिंदगी मिली नहीं तो जिंदगी देव। कह रहे भाई इसल मत करा तो संकेत भाई ले मृत्यु देव, पूरा समझ पौल देव डोलल भोला के आसनवा काशी के नगरी, बिरहा में लय बदल गई बा, लय वह बाप कि कैसे बीती हमारी रति आग जेरी पालमा, हम हर चील हाथ साफी ले गए गाजा, अपने के समझे ला सैया रामनगर के राजा, हमारी हो ले दुर्गति आग जेरी पालमा, तो तरह लेकिन गाना का भाव कि डोलल भोला के आसना आकाशी के नगरी, अरे हर हम बम बम शब्द सुहावन गुलजारी तब भैले, दया किए हैं मृत्यु देव तब पुनर्जीवन पा गैले, कैले गंगा आसना नमा काशी के नगरी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंडिका कवि बचन जी बल पुजारी, द्वारी पर तोहरे जाई जनवा, राम दसूर श्याम का लाल कंदिर धारी,